अज 30 अगस्त को पटियाला जिले के कोविड की स्थिति है उसके बारे जानकारी दे रहे हैं सिविल सर्जन पटियाला डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी। अज सानू 1500 के करीब रिपोर्ट्स मिली हैं, 183 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, जिस नाल कुल के साडे जिले च 6153 हो गए ने। सानू रिपोर्ट्स लुधियाना हिसार सैक्टर 45 ते PGI तो भी प्राप्त हुई है एक केस की। इस तो अलावा 206 होर मरीज से तैयार होकर डिस्चार्ज कर दिए गए ने मिशन फतेह के तहत। तो कुल ठीक होने वाले केसा की गिनती हूँ 4493 हो गई है। इन्हां चो 163 केसा की डैथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। एक्टिव केसा की गिनती इस वक्त जिले 1497 है। इस तो पता चलता है आंकड़ों तो कि जिले में 73% के करीब लोग जिहड़े पॉजिटिव सीगे वो ठीक हो गए ने। 24.5% जिहड़े ने वह सेहतयाबी वल वध रहे हैं, तो डैथ का आंकड़ा 2.6% है। सो इस करके मेरी सारे पटियाला वासियों को बेनती है कि कोविड तो घबराने की लोड़ नहीं, सिर्फ समय सिर सैंपलिंग की लोड़ है, होर बिल्कुल अपने आप को परेशान ना करो। बाकी जिहड़े 183 केस आए हैं 77 पटियाला शहर तो है, 11 समाना, 20 राजपुरा, 12 नाभा, 3 पातड़ा, 4 सनौर, 56 वख वख पिंडा तो मिले ने। 52 पॉजिटिव केसिस जिहड़े कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग च मिले ने। बाकी 131 कंटेनमेंट जोनस फ्लू कॉर्नरस से आए हैं और साडी सैंपलिंग बदस्तूर जारी है। अज भी संडे सीगा, सानू बहुत दिक्कतां भी आई हैं रूमर्स करके, फिर भी साडी टीम्स ने 1200 के करीब सारे सैंपल्स लए ने जिन्हां दी रिपोर्ट कल नूं आएगी। और अज भी साढ़े 4 पुलिसकर्मी, 3 सेहतकर्मी ते 1 आंगनवाड़ी वर्कर भी पॉजिटिव आई है। और 9 अज टैस रिपोर्ट हुई हैं पटियाले तो, जिन्हां चों 4 पटियाला शहर तो, 2 कौली तो, 1 राजपुरा, 1 समाना ते 1 पातड़ा नाल संबंधित ने। तो मैं फिर यही अपील करांगा लोगों नूं कि प्लीज़ जिहड़ा र्यूमर मोंगरिंग हो रही है, पुलिस बहुत सख्ती नाल उन्हां नूं काबू कर रही है। अज 2 FIRs भी लॉन्च करे गए ने SSP पटियाला साहब वालों, जिहड़े र्यूमर मोंगर सीगे, जिहड़े कि रजिंद्रा हस्पताल के डॉक्टर्स प्रति गलत बयानबाजी करके लोगों च भ्रम पैदा कर रहे सीगे कि उत्थे अंग निकाले जाते हैं लाइक दैट। सो मेरी फिर मूड इहो जे समाज विरोधी अंसरां नूं चेतावनी भी है और अपील भी है भी इस चीज़ां तों ग्रेस करो, इहो जे कोई समाज विरोधी बयान ना दिओ जनता विरोधी। और जनता नूं भी मेरी यह बेनती है, अज जिवें अरनेटू, तारूके, होर जगह भी कई जगह BKU दे भी सज्जन रोकन आए ने सैंपलिंग टीमां नूं, किरपा करके गलत काम ना करो। सैंपलिंग जिहड़ी है ये तुहाडे वास्ते मानयोग मुख्यमंत्री और सेहत मंत्री साहब दे आदेशा ते हो रही है। सरकार वालों सैंपल भेजनियां महंगी किट्स भेजिया जा रही हैं कि जेड़े लुके छिपे केस है उन्होंने बाहर कढ़ के आइसोलेट कर दिए ताकि वह अपने परिवारिक मैंबरों समाज के होर व्यक्तियों ना यह इन्फेक्शन फैलाउन, ना कि इन्हों हॉस्पिटल लेके जाना है। अज भी असी अज तक करीब 4000 मरीजों होम आइसोलेट कर चुके हैं। अज भी साढ़े करीब 950 जोड़े मरीज ने होम आइसोलेट किए हुए ने। 2 बार साड़िया टीम उन्होंने बकायदा उन्हों का हाल चाल पुछ दिया है, उन्होंने ऑक्सीजन रीडिंग्स लेंदिया है, पल्स ऑक्सीमीटर दिते हुए ने और टैंपरेचर की रीडिंग्स लेंदिया है। हॉस्पिटल सिर्फ वो व्यक्ति जा रहे हैं, मैं फिर क्लीयर करना चाहना, जेडे सैंपल नहीं कराते, जेड़े इन्फेक्शन अंदर वधन देंदे हैं और लेट हो जाते हैं, जिस करके इलाज करन च भी जेड़े रजिंद्रा दे डेडिकेटेड डॉक्टर्स का ग्रुप है, जेड़े एनी और पैरामेडिक्स का पूरा ग्रुप है जेड़ा कि बड़े मेहनत नाल उन्होंने सेवा कर रहा, उन्होंने भी उन्होंने इलाज करन च दिक्कत आती है। ता ही ये जेड़ी थोड़ी बहुत कैजुअलिटीज हुई हैं हुई हैं, इस करके असी कोशिश कर रहे हैं कि इन्फेक्शन की शुरुआत ही असी सैंपलिंग करके पॉजिटिव मरीज लभ लीए, उन्हें होम आइसोलेट कर दिए या कोविड केयर सेंटर च रख दईए जिहड़ा 10 दिन रखना या राजिंद्रा लै दईए। और मैं बार बार आपको अपील कर रहा और जिहड़े ये र्यूमर मोंगर्स हैं उन्होंने भी असी चेतावनी दे रहे हैं, प्रशासन बड़ा सख्त है, मानयोग DC साहब ने भी कहा है, SSP साहब ने भी अज परचे दर्ज करे हैं, ये बिल्कुल गलत है, इस चीज़ तो ग्रेज करो। एपीडेमिक डिजीज़ एक्ट भी लगे है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी फोर्स च है, समाज विरोधी यह जी कोई गल ना करो। सेहत जे रहेगी आप सेहतयाब रहेंगे तो ही आप अगे तरक्की कर सकते हैं,
अपना देश अपना प्रांत उन्नति कर सकता है और ये तुहाडे भले ले करिया जा रहा है। प्लीज़ इस गल नूं विश्वास करो, जे चाहे साडियां आशाज है, चाहे साडियां ANMs है, चाहे साडे MOs ने, RMOs ने, AMOs ने, RBS के टीम्स ने, स्टाफ नर्सिज ने, LTs ने, SIs ने, मेल पैरामेडिकल वर्करस ने, ये सारे तुहाडी सेवा लई तत्पर ने। अज भी तुसीं कई जगह साडी टीम्स ते जिहड़ा ये तशद्दद करन दा करिया है, प्लीज़ डोंट डू दिस, ये तुहाडी सेवा वास्ते तुहाडे फायदे वास्ते कोऑपरेट करो। साडी फिर यही अपील है तुहानू भी सैंपलिंग कराओ ताकि आपां जल्दी तो जल्दी शक्की मरीजां नूं लभ के गाइडलाइनस मुताबक उन्हां दा इलाज करिए। हॉस्पिटल तां लास्ट रिजॉर्ट च लैके जांदे आ वो मरीज जिहड़े कि अपनी बीमारी लुको के बैठ जाते हैं और अंदर ही अंदर इन्फेक्शन वध जाता।